OCS रजिस्टर करने के लिए, OCX रजिस्टर करने के लिए, अगर आपको OCX का रजिस्टर का एरर आ रहा है तो कैसे रजिस्टर करना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यूटिलिटी में जाना है, वहाँ पे आपको ओपन एप्लीकेशन फोल्डर पे क्लिक करना है, और इसके बाद ये खुल जाने के बाद, ओपन हो जाने के बाद आपको पे टाइम बंद कर देना है, और इसमें बायो टाइम 8 करके फोल्डर है, इस बायो टाइम 8 फोल्डर के अंदर जाना है, सारे फाइल को कॉपी करना है एरर लॉग को छोड़ के, कॉपी करना है और एप्लीकेशन फोल्डर पे जाके पेस्ट करना है, इसको रिप्लेस आएगा, रिप्लेस करना है सारे फाइल को, फिर डिपेंडेंसी फोल्डर में जाना है और इसमें सारे कंट्रोल ए करके सारे फाइल को कॉपी करना है और इसको भी एप्लीकेशन फोल्डर पे पेस्ट करना है, इसमें भी रिप्लेस आएगा, रिप्लेस करना है सारे फाइल को। अब आपको माई कंप्यूटर में जाना है, सी ड्राइव में जाना है, विंडो में जाना है, इसमें यहाँ पे 32 सिस्टम 32 होगा और SYWOW64, अगर 64 बिट्स रहेगा तो आपको ये वाला फोल्डर दिखेगा, अगर 32 बिट रहेगा तो उसमें सिस्टम 32 ही दिखेगा, अगर 64 बिट्स है तो उसमें जाना है और उसमें REGSVR32 फाइल है, इसको कॉपी करना है और एप्लीकेशन फोल्डर पे आपको पेस्ट करना है इसको। उसके बाद आपको रजिस्टर फाइल करके बैच फाइल है उसको राइट क्लिक करना है और रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है। उसके बाद आपको OCX रजिस्टर का जो एरर आता है वो एरर आना बंद हो जाएगा।